नमस्कार दोस्तों, और एक ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, पासिव स्पीकर वर्सेस एक्टिव स्पीकर। पासिव स्पीकर क्या होते हैं और ये कहाँ पे काम पे आते हैं, और एक्टिव स्पीकर कहाँ पे काम पे आते हैं, क्या है, कहाँ पे काम आते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो के साथ। अगर ये चैनल हमारा अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पासिव स्पीकर की। अब पासिव स्पीकर हम लोग जैसे आहू जाके देख रहे हैं, बहुत सारे स्पीकर हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, बहुत सारे स्पीकर पासिव होते हैं। मतलब उसमें पावर खुद का कुछ नहीं होता, बस दो स्पीकर लगा रहता है। आपको एम्पलीफायर चाहिए होगा उसको पावर देने के लिए। तो पावर देने के लिए बाहर से उसका एक एम्पलीफायर रहता है अलग से, और वहाँ से उसको एम्पलीफायर को हम सारा चीज़ इनपुट देते हैं, और वहाँ से वो स्पीकर को कनेक्ट करता है जो कि होता है पासिव स्पीकर। अब पासिव स्पीकर क्या होते हैं, थोड़े सस्ते रहते हैं, ऐसा नहीं जो एक्टिव स्पीकर से थोड़े सस्ते रहते हैं, क्योंकि उसमें एम्पलीफायर अलग से रहती है, और एम्पलीफायर अलग होने के कारण ये आप जो सिस्टम है ये थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि आपका बाहर रहता है एम्पलीफायर और ये होता है स्पीकर। तो आगे चलते हैं एक्टिव स्पीकर के बारे में अगर जानेंगे, तो इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है। जैसे वो एम्पलीफायर इसके अंदर लगा रहता है, इसमें बैक साइड पर आपको सिग्नल देना होता है, पावर सप्लाई देना होता है, और ये चलता बनता है, और इससे लूपिंग करना भी बहुत आसान होता है। चलिए बात देख लेते हैं कैसे आप एक्टिव स्पीकर की अगर बात कर लेते हैं तो हम लोग देख लेंगे इसके एक्टिव कैसे बैक साइड पर लूपिंग करते हैं। तो चलिए इन दोनों में पहली जो डिफरेंस है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव जो स्पीकर है ये आपकी खुद से अपने आप चलता है। मतलब आपको इसको बस इनपुट दे देना है, मिक्सर से चाहे दे सकते हैं, आप माइक्रोफोन से जैसे कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। चलिए दो एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव और आहू जाके। जितने भी स्पीकर है मैक्सिमम पासिव है, एक्टिव बहुत कम ही है, क्योंकि उसमें एक्टिव स्पीकर भी कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि सारा चीज़ कॉम्पैक्ट करके बनाना पड़ता है, तो इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी रहता है। लेकिन आपको स्पेस भी बच जाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, आपको अलग से एम्पलीफायर नहीं रहता है, बस बैंड लगाया, मिक्सर से डायरेक्ट इनपुट दे दिया या डायरेक्ट माइक लगा दिया, ये चल गया। तो चलिए अभी दिखाता हूँ आपको ये एक है आपकी एक्टिव स्पीकर के बारे में। तो चलिए इधर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहीं पे आप देखते क्लास बी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है आपके 200 वाट बहिंजर की दो टू ए पी एस पी। टू ए मतलब होती है एक ऊपर होता है, 8 इंच का ऊपर होता है, 1.35 कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट होता है, एचएफ जो होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे आपकी देखिए पावर इनपुट है, यहाँ पे जैसे पीसी को पावर देते हैं, जैसे पावर इनपुट है, इसको पावर देना पड़ेगा। इनपुट में आप देखिए जैक दे सकते हैं, माइक्रो मिक्सर से लेके जैक दे सकते हैं, और एक्सएलआर आउट भी दे सकते हैं। यहाँ से लिंक आउट भी है, यहाँ से आप लेके दूसरा भी कोई स्पीकर भी उस पर लगा सकते हैं, लिंक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक्टिव स्पीकर यहाँ पे लेवल है, लाइन लेवल है, तो यहाँ पे लाइन इनपुट है तो लाइन रखिए यहाँ पे, और अगर माइक है तो इसको आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइक इनपुट बहुत कम रहता है। और यह क्लिप है, ज़्यादा नहीं जाने है, और ये हाई है लो है। हाई मतलब आपकी जो एचएफ है ट्विटर के लिए, और लो कंप्रेसर यूनिट जो है, और लो मतलब बेस बढ़ाने के लिए। ये इक्वलाइजेशन भी इसमें रेडीमेड दिया जाता है। अब चलते हैं आपकी दिखाते हैं जो आपकी नॉर्मल जो रहते हैं, यहाँ पे देखिए स्पीकर ही बस है, आपको दूसरे एम्पलीफायर से लेके स्पीकर में डायरेक्ट घुसाना है, और ये चलता बनेगा पासिव स्पीकर जो है। ये दोनों का मैंने बहिंजर कंपनी का है, देखने में आपको बाहर से तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि यहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो ही यहाँ पे इनपुट करना है एम्पलीफायर से लेके, यहाँ पे इनपुट करेंगे जो कि होते हैं पासिव स्पीकर। उसमें आपको एम्पलीफायर अलग से दूसरे से एम्पलीफायर से इधर लाना पड़ेगा। तो पूरा अगर बात करेंगे तो पूरा एक्टिव स्पीकर और पासिव स्पीकर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पासिव स्पीकर है लाओ जाके, और यहाँ पे आपकी एक्टिव स्पीकर है जिसमें सारा चीज इनबिल्ट है। पासिव स्पीकर में आपका इनबिल्ट कुछ भी नहीं है, आपको बाहर से एम्पलीफायर से इसको सप्लाई देना होता है तब जाके ये बजेगा, वरना आप बिल्कुल नहीं बजेगा। लेकिन इसमें बस आप सिग्नल दे दिया, पावर दे दिया, मतलब ये बज जाएगा। तो यही होता है पासिव स्पीकर और एक्टिव स्पीकर में। तो मोस्ट ऑफ दी जो स्पीकर जो यूज होते हैं वो है पासिव स्पीकर, क्योंकि वो थोड़ा आपको नॉर्मल कॉस्ट पड़ते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि इसमें आप एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर में दूसरा बॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सारा कंपैक्ट हो गया, एक बार खरीद लिया मतलब रह गया। लेकिन आपका यहाँ पे आप स्पीकर अलग से दूसरे जगह पे लगा सकते हैं, एम्पलीफायर अलग लगा सकते हैं, बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो है पासिव स्पीकर में। जबकि एक्टिव में आपको कोई
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये अच्छा रहता है डाइट प्रोग्राम में, अब लगा दो आपका काम हो गया,